सब गैंग और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं किंग के ट्रैक पर जिसका नाम है एक तरफा और ईपी का नाम है ख्वाबीदा जो कि मूवी भी है साथ में। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जो कि सिर्फ रियल हिपहॉप को सपोर्ट करती है। यस, और पाजी आ रखे हैं भाई, किंग पाजी आजकल मतलब अलग ही चल रहा है भाई। एक शॉर्ट फिल्म सी डल रही है, देन ट्रैक डल रहा है, बाजी बहुत सही लगा था भाई गाना। तो अब ऐसा सीन है, पिछले वाले में वही सीन हो रखा था कि वो पहाड़ों में बैठा हुआ जैसे दिख रहा है इसमें। हाँ। तो वहीं पे वो बात कर रहा था रेडियो से, वो रिकॉर्डेड थी या जो भी था पता नहीं, रिकॉर्डेड ही लग रही थी हमको तो। बिल्कुल, उसने कर रखा है। तो लेट्स गो मैन, चेक करते हैं क्या है वाइब जोन, क्योंकि और उसमें शायरी कर रहा था। हाँ। तो शायद इस गाने में भी शायरियां हो सकती हैं, तो वाइब्स तो वैसे आ रही। तो चेक करते हैं मैन, अगर आप किंग के फैन है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि वहां से वीडियोज आ रही है और यहां से रिएक्शन आ रहे हैं, सपोर्ट दिखाइए। तो लेट्स गो मैन, तो एंड में बजी रहा था उसमें शायरी जैसा। ओ हाँ, एक तो काफी शायरी जैसी वाइब्स हो जाए ना, मजा आ जाएगा फिर तो भाई, क्योंकि अच्छा लग रही थी बहुत। तू फिर से पास आ, मैं जिद नहीं करूंगा, तू फिर से दूर जा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो तेरे जाने से मैं बैठा हूं। मैं खाने में अपनी वीडियो देख रहा है भाई, पुराने टाइम की है ना वीडियो, टीवी के अंदर स्टोरी भी लाइन में है ना एक, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब सही दे रहे नहीं दे रहे वो बात अलग है, पर ध्यान देना पड़ेगा। तू फिर से पास आ, मैं जिद नहीं करूंगा, तू फिर से दूर जा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो तेरे जाने से मैं बैठा हूं, मैं खाने में मैं खा चुका हूं, धोखा पीने से नहीं मरूंगा, जो तुझसे सीखा हूँ तुझी पे तो लिखूंगा, जो तुझको चाहूंगा तुझी पे तो मिटूंगा, जो हंस के आऊंगा मैं फिर से तेरे सामने हूँ, ना पसंद बता दियो मैं फिर नहीं दिखूंगा। भाई बहुत सही शायरियां हैं ब्रो। यस, जैसा था ना वो राग जैसा लग रहा है मेरे को। ओके ओके, स्टाइल पूरा गाने का। हाँ, वो मतलब चॉपीनेस जो है वो वाला। मैं फिर से तेरे सामने हूँ, ना पसंद बता दियो मैं फिर नहीं दिखूंगा, मैंने देखा तुझ में सादगी रही नहीं, मैंने देखा तूने कोशिशें बहुत करी, कहे जो तुझको अपने हाथों से सजा दू है कमी, तू पहने बहुत फिर भी लगता क्यों सजी नहीं, आज भी ऐसे देखे मैंने दायरे नहीं, कि तुझसे बांट लू मैं खुद को, कह दू आ रहे नहीं है तुमसे मिलने, बेवफा ही थे जो हंस के कह दिया कि हम भी धोखे खा रहे नहीं, जो फिर से देखा मेरी रुक चली कलम थी, दिल धड़कता आंखें भीगी बातें तंग थी, जो तुझको सोचा मेरा पूरा एक जन्म थी, जब तुझको देखा किसी और की सनम थी, दिल तो दुखता है पर जीना पड़ता ही है, सूरत से चांद भी अकेले लड़ता ही है, मैं कितना भूलू किस्सा तेरा अड़ता ही है, जो कर दे फासला तो प्यार बढ़ता ही है, गाने तो चल रहे पर बात तेरी मेरी है, चिराग बुझ गए पर रातें तेरी मेरी है, हुआ वो एक ना जो सात जन्म का वादा था, तो इस सदी में जाना क्या औकात तेरी मेरी है, माना मैं सब ही कुछ जीता कुछ भी हारा ना, पर जिसको हारा उसको देखा फिर दोबारा ना, जो धस गया हूँ जाके रेत में मैं आंखों तक, तू है समुंदर मुझ पे बूंद का सहारा ना, ना मुझसे पूछ मेरे हाल कैसे था। तो शायरी शायरी चल रही है, कह रहा तू है समुंदर और मेरे पे एक बूंद का भी सहारा नहीं है। बाय भाई, मतलब वहां से यहाँ तक शायरी पे शायरी। हाँ, शायरी, ये तो पे शायरी चल रही है भाई साहब, बहुत सही लग रही है ब्रो, मतलब पेन फील हो रहा है ब्रो, स्माइल इसलिए आ रही है क्योंकि लिख रहा है भाई, वो लिख रहा है, वो एक्साइटमेंट है, मतलब एकदम रेत में मैं आंखों तक, तू है समुंदर मुझ पे बूंद का सहारा, ना मुझसे पूछ मेरे हाल क्या सितारों का, ना दम तू खाए आके नोटों की दीवारों का, है पैसा क्या तू छोटी बातें ना किया कर, मैं बस प्यार से गरीब मुझको मोलना हजारों का, जो मुझसे पूछ ले तू रास्ता बहारों का, तो हंस के कह दू तू नजारा मेरी आंखों का, मैं जिसको कोसने चला हूँ उसका नाम याद, फिर भी लिख ना पाना दोष काम है कवारों का। उसका मूड ठीक हो गया ना तो लिरिक्स भी ठीक होते जा रहे हैं, वो सैड से चालू हुआ देन उसके लिरिक्स ऐसे 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 करके खुशी की तरफ होते जा रहे हैं, और अब रोना ही बंद कर दिया उसने।
उजाला ही पड़ गया, यानी रोशनी आ गई जिंदगी में, ऐसा कुछ सीन लग रहा है। मैं जिसको कोसने चला हूँ उसका नाम याद, फिर भी लिख ना पाना दोष काम है कवारों का। जो तुझको देखा आसमां में चांद था नहीं, कहीं पे छुप गया के कहता लगता नहीं। इससे हसीन मैंने देखा कहीं, कुछ के लोग यूं ही लिखते रहते मुझ पे, ऐ खुदा मैं चांद नहीं। ये तेरे रेशमी जो वाल जाल साजी हैं, मरा नहीं पर जीते जी तू मेरी फांसी है। दबा नहीं गला क्यों सांसे मेरी घुट रही, मैं क्या ही तू सजा जा तेरी हर सजा ही माफी है। मुझे खबर नहीं तू किस जुबां में राजी है, दिखे असर नहीं तू किस दुआ में बाकी है। अगर कभी मैं तेरे सामने से गुजरूं मुझको मिल तू या नहीं, पर तेरी एक नजर ही काफी है। एक तरफा मैं नाम भी बना लूंगा, एक तरफा मैं नाम भी छुपा लूंगा। एक अरसा जो बीते तेरी यादों में, मैं होके मशहूर तुझ पे जिंदगी लुटा दूंगा। ईकेटीए लिखा था भाई उसके पीछे, चेयर के पीछे ब्रांड था क्या पता नहीं। चैप्टर थी द लास्ट डेथ, किंग के सारे गाने ऐसे हो रहे हैं भाई, लास्ट बाउंस, गोरिल्ला बाउंस, द लास्ट, वो मतलब एक वो मतलब क्या कहते हैं उसको, फ्रेंचाइज चालू हो गई है किंग के नाम की। मतलब अगर ज्यादा सीन है तो लगता है किंग का गाना हो रहा है। यस भाई, मतलब मस्त है, शायरी बहुत ही नई है, मतलब ऐसा नहीं है ये पहले कभी सुना है, नए नए वर्ड भी हैं। यस, और वो वाला है कि मुझे नाम याद है और मैं लिख भी नहीं रहा, मतलब तो ये काम है गवार होगा, मतलब पढ़े लिखे गवार होगा काम है वैसे। yes, yes. पढ़े लिखे ऐड करना और जरूरी है भाई। सही में भाई, सही गवार तो लिख नहीं सकता। हाँ। पढ़ा लिखा जानते हुए भी नहीं लिखता तो वाली बात है। सही में भाई, मतलब मेरे को मजा आया। एक तो म्यूजिक भाई वो जैज लग रहा है मेरे को, तो जैज लग रहा है, अगर ब्लू वगैरह होगा तो मुझे नहीं पता, पर मेरे को जैज सी वाइब्स आ रही हैं, तो वो बहुत मतलब सूट कर रहा है उस मूड को। वो जो जैज वैसी भी रहता है, वो मूडी टाइप म्यूजिक रहता है, तो जैसे वो उस पर शायरी कर रहा है तो और मूडी बन जा रहा है वो, तो उसकी वजह से फील ज़्यादा आ रही है, क्योंकि आपका सारा फोकस मेनली लिरिक्स पे ही जा रहा है। हाँ। वो सिर्फ बैक दे रहा है, उसको एक मूड दे रहा है जो कि बहुत सही लग रहा है भाई। वो वर्डों में और लाइनों में और जान डाल रहा है बैकग्राउंड से। और मेरे को लग रहा है वो जो एंड में उसने कोट पहन लिया ना, वो कोट वो पहली वीडियो में था उसने पहन रखा है, अभी कुछ कपड़े और मिसिंग है उसके, रेडियो दिख गया कपड़े और वो जैकेट दिख गई उसकी, जो कोट पहन रखा है एंड में उसने बड़ा वाला, और अभी कुछ और कपड़े भी उसने अंदर से पहन रखे, शायद वो नहीं पहने अभी। तो मेरे को लग रहा है धीरे धीरे करके आगे उसके पूरे मतलब आउटफिट होगा, फिर शायद पहले वो कनेक्ट होगी, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो अभी देखते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि भाई पहला शायरी नहीं था, पहला वाला कुछ अलग ही मूड था जिसमें वो उसमें था सपने में, शायद से मेरे को ऐसा लगा था, तो सपने वाला सीन था, अब ये शायरी वाला आ गया है, अब देखते हैं और आगे कैसे कैसे मूड दिखते हैं। यस, तो मतलब एक्साइटेड भी हैं और अभी देखते हैं अगला, मतलब अब तो अगला तो मेरे ख्याल से फिर से वही होगा कोई क्या कहते हैं शॉर्ट फिल्म वगैरह, हाँ वही आएगा, तो देखते हैं। लेट्स गो मैन, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम रिएक्शन उस पर बनाएंगे, और अच्छा लगा रिएक्शन तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, वीडियो को फिर लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। मिलना मैं पाऊं उसको।